तो दोस्तों, अपनी 13 ब्रिटिश कॉलोनियों के साथ शुरुआत करने वाला अमेरिका खुद को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित कर देता है, जिसके पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका यहाँ से अपना एक्सपेंशन शुरू कर देता है। 19वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका फ्रांस से लुसियाना खरीद लेता है और अब यहाँ अमेरिका की सीमाएं सीधे स्पेनिश मेक्सिको के साथ लग जाती है। लेकिन अमेरिका अपना विस्तार नॉर्दर्न वेस्ट की ओर करता है, जहाँ वो नेटिव अमेरिकन्स की ज़मीनें हथियाना शुरू कर देता है। उसकी नज़र ब्रिटिश कनाडा पर भी होती है और अपने एक्सपेंशन के दौरान अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में भी जाता है, हालांकि उसे इस युद्ध से कुछ खास मिलता नहीं। वैसे हम इस युद्ध पर पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। वहीं साउथ वेस्ट में अमेरिका स्पेन के साथ एडम्स ओनिस की ट्रीटी साइन कर लेता है, जिससे स्पेनिश मेक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा विवाद को सुलझा लिया जाता है। वहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के तहत अमेरिका में समृद्धि की शुरुआत हो जाती है। अनगिनत कारखाने अमेरिका में स्थापित होते हैं और अब अमेरिका की इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। वहीं बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको के लोग स्पेन से अपनी आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। स्पेन का राज यहाँ 1521 से शुरू हुआ था, जो कि लंबे संघर्ष के बाद 1821 में जाकर खत्म हुआ बिना किसी बाहरी देश की मदद के। आज़ादी के बाद मेक्सिको में करीब 3 साल तक मोनार्की रही और अंत में 1824 तक मेक्सिको एक गणतंत्र देश बन गया। अगर आप आज़ादी के बाद मेक्सिको का नक्शा देखें तो आप देखेंगे कि यह बहुत बड़ा है, जो कि स्पेन की मेहरबानी से था। लेकिन मेक्सिको के जो नॉर्दर्न हिस्से थे वहाँ हमेशा अस्थिरता रही है, जब स्पेन का राज था तब भी और बाद में भी जब स्पेन से आज़ादी मिली। मेक्सिको की सरकार इन क्षेत्रों पर ठीक से नियंत्रण नहीं हासिल कर पाई, क्योंकि ये उत्तरी हिस्से कामंच, अपाचे और नवाजो जैसे नेटिव अमेरिकन्स की चपेट में थे। और नई सरकार की कमजोरी का फायदा उठाते हुए कामंच जैसे नेटिव अमेरिकन संगठनों ने सैकड़ों मील तक छापेमारी की। मेक्सिको का जो बाकी नॉर्दर्न इलाका था वहाँ आबादी कम थी, यहाँ की जलवायु और कम वर्षा के कारण यहाँ रेगिस्तानी इलाके थे। 1821 में आज़ादी के बाद अपाचे और कामत जैसे नेटिव अमेरिकन संगठनों ने लगातार छापे मारे, जिससे कई मेक्सिकन लोगों की मौत हो गई और इन उत्तरी इलाकों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती गई, जो कि पशुधन पर निर्भर थी, और नेटिव अमेरिकन इन्हें लूटने लगे। अब इन नेटिव अमेरिकन को काउंटर करने के लिए मेक्सिको की सरकार ने यह उपाय निकाला कि यहाँ की आबादी बढ़ाई जाए, इसलिए आम अमेरिकी लोगों को भी यहाँ बसने के लिए आमंत्रित किया गया। अब उम्मीद तो यह थी कि अमेरिकन्स यहाँ बसने के लिए खुशी से आएंगे। हालांकि अमेरिकन्स आए तो सही, लेकिन सिर्फ टेक्सास राज्य में, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी और नेटिव अमेरिकन्स का खतरा भी यहाँ कम था। धीरे धीरे टेक्सास राज्य की आबादी में मैक्सिकन लोगों की तुलना में अमेरिकन्स की आबादी ज़्यादा हो गई। ज़्यादातर अमेरिकी अमेरिका के दक्षिणी राज्यों से यहाँ आए थे और अब अमेरिकन्स की आबादी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ये अब मेक्सिको की सरकार के खिलाफ जाने लगे और 1835 तक लोगों ने मेक्सिको की सरकार के खिलाफ विद्रोह भी शुरू कर दिए, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही 1834 में जनरल एंटोनियो लोपेज मेक्सिको के केंद्रीय राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की ताकत बढ़ा दी और राज्यों के शासन की ताकत को कम कर दिया और टेक्सास में अपनी सेना को भेज दिया, जिसके जवाब में ऑस्टिन ने टेक्सास के लोगों को संगठित किया और 1836 में मेक्सिको से टेक्सास को अलग एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इस दौरान एंटोनियो लोपेस को टेक्सास की सेना ने गिरफ्तार कर लिया और नए नवेले टेक्सास के राष्ट्रपति डेविड वर्नेट ने एंटोनियो लोपेस के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर कर लिए। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने टेक्सास की आज़ादी को मान्यता दे दी, लेकिन मेक्सिको ने मान्यता नहीं दी। अब जब तीन बड़े देशों ने टेक्सास को मान्यता दे दी तो मेक्सिको चाहकर भी दोबारा टेक्सास पर अधिकार नहीं कर सकता था। अब अधिकतर टेक्सास के लोग यूएसए के साथ टेक्सास को जोड़ना चाहते थे और 1845 तक टेक्सास राज्य अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विलय के प्रस्ताव पर सहमत हो गया और 29 दिसंबर 1845 को अमेरिका का 28वां राज्य बन गया, जिसके जवाब में मेक्सिको ने यूएसए के साथ सभी राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेम्स के पोल, जिनका तो चुनावी मुद्दा ही यही था कि वो अमेरिका के विस्तार को प्रशांत महासागर तक विकसित करेंगे। जब टेक्सास अमेरिका का राज्य बन गया तो मेक्सिको ने एक नया सीमा विवाद सामने खड़ा कर दिया। दरअसल जब टेक्सास की आर्मी ने एंटोनियो को हराया था, तब बोलास्को की ट्रीटी साइन की गई थी, जिसके अनुसार टेक्सास और मेक्सिको की सीमा
रियो ग्रांडे नदी तक थी, लेकिन मेक्सिको का मानना था कि यह सीमा न्यूसेस नदी तक थी। उन्होंने नदी के नाम को ही बदल दिया। इन विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति पोल्क ने एक जुआ खेला, जो कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी के साथ करता है, उसकी गरीबी का फायदा उठाना। राष्ट्रपति पोल्क ने जुलाई 1845 को जनरल जॉर्ज री टेलर को टेक्सास भेजा और अक्टूबर तक टेलर ने न्यूसेस नदी पर करीब 3500 सैनिकों को तैनात कर दिया। नवंबर के महीने में राष्ट्रपति पोल्क ने मेक्सिको सिटी में एक सीक्रेट प्रतिनिधि जॉन स्लिडेल को भेजा। प्रस्ताव ये था कि एक तो टेक्सास का विवादित हिस्सा अल्टा कैलिफोर्निया और न्यू मेक्सिको के हिस्से अमेरिका को बेच दिए जाए, जिसके बदले में अमेरिका मेक्सिको की सरकार को $25 मिलियन देगा। अब यहाँ मेक्सिको फंस गया, क्योंकि वो इतना सक्षम नहीं था कि अमेरिका को आंखें दिखा सके, और अगर पैसे लेकर अपने क्षेत्र बेच देता तो वो भी बदनामी से भरा हुआ फैसला था। इस दौरान मेक्सिको के राष्ट्रपति जोस डोपिन डी हेरेरा अमेरिका के साथ बातचीत के पक्ष में थे, लेकिन बीच में आ गया राष्ट्रवाद। लोगों ने राष्ट्रपति को ही देशद्रोही करार दे दिया और पद से हटा दिया, और जनरल मोरिनियो पेरेडेस के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार सत्ता में आ गई, जिन्होंने पूरे टेक्सास राज्य पर ही मेक्सिको का दावा फिर से शुरू कर दिया। और क्या था, बातचीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति पोल के सामने यह समस्या थी कि अमेरिकन कांग्रेस को युद्ध के लिए कैसे मनाए। इसके लिए पहले मेक्सिको का आक्रमण करना जरूरी था, और राष्ट्रपति ने अपनी सेना टेक्सास मेक्सिको की बॉर्डर पर तैनात करके पहले ही अपनी चाल चल दी थी। रहा बचा काम मेक्सिको की राष्ट्रवादी सरकार ने कर दिया। बात करें ताकत की, तो दोनों ही देशों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ अमेरिका, जो कि समृद्धि की ओर बढ़ता ही जा रहा था, जिसके पास उस समय के आधुनिक हथियार थे और अभी अभी ब्रिटेन के साथ हुए युद्ध का अनुभव भी था। वही मेक्सिको, जो कि अभी अभी अंडे से बाहर निकला था, मतलब अभी अभी तो उसे स्पेन से आज़ादी मिली थी। और हंसी की बात तो यह है कि मेक्सिको के 19 राज्यों में से केवल 7 राज्य ही ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में पैसा और अपने सैनिक भेजे थे। ऊपर से मेक्सिकन सेना के पास पुराने हथियार थे, जो कि एक समय नेपोलियोनिक वार के समय इस्तेमाल किए गए थे। संख्या के मामले में मेक्सिको की सेना में करीब 82,000 सैनिक थे, जो कि अमेरिका की तुलना में ज़्यादा थी। अमेरिका के पास करीब 73,000 सैनिक थे, लेकिन यह युद्ध कोई तीर कमान या तलवार वाला तो था नहीं, जो कि सैनिकों की गिनती पर निर्भर करे। आधुनिक हथियार के साथ अमेरिकी सेना बहुत आगे थी, और अमेरिकी राष्ट्रपति पोल्क ने जैसा जाल बिछाया था ठीक वैसा ही हुआ। जनरल टेलर अपने सैनिकों के साथ टेक्सास मेक्सिको सीमा पर डटे हुए थे। मेक्सिको की सेना ने टेलर को अल्टीमेटम दिया कि वापस चले जाओ, लेकिन टेलर नहीं माना। यहाँ जनरल टेलर ने उल्टा रियो ग्रांडे नदी के तट पर एक किले की स्थापना कर दी। मेक्सिकन सेना युद्ध के लिए तैयार थी, और 25 अप्रैल 1846 को मेक्सिकन सेना ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया, जिसमें करीब 11 अमेरिकी सैनिक मारे गए। साथ ही मेक्सिकन सेना ने 3 मई को टेक्सास के किले की घेराबंदी शुरू कर दी और करीब 160 घंटे तक किले पर बमबारी की। 8 मई को जनरल जॉर्ज री टेलर अपने 2400 सैनिकों के साथ किले को मुक्त कराने के लिए पहुंचे, जहां प्रमुख पालो अल्टो की लड़ाई शुरू हुई। अब अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए अमेरिकन कांग्रेस को मनाना आसान हो गया। पोल्क ने इस मुद्दे को इस तरह से पेश किया कि मेक्सिकन सेना ने युद्ध की शुरुआत की है और अमेरिकन टेरिटरी में घुसकर खून बहाया है, जिसके बाद अमेरिकन कांग्रेस ने 13 मई 1846 को कुछ घंटों की बहस के बाद मेक्सिको पर युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं पालो अल्टो की लड़ाई में मेक्सिकन जनरल अरिस्टा अपने 3400 सैनिकों के साथ खड़े हुए थे, जहां अमेरिकन सेना ने फ्लाइंग आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, जबकि मेक्सिकन सेना के पास कम गुणवत्ता वाला बारूद था, जिसका फायदा अमेरिकी सैनिकों ने उठाया और घोड़ा घाड़ी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते गए। यहाँ मेक्सिकन सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन पीछे हटने के दौरान सैनिक बिखर गए। साथ ही सेस्का डी ला प्लामा की लड़ाई के दौरान मेक्सिकन सैनिकों को और भी पीछे हटना पड़ा, और अमेरिकन सैनिकों ने मेक्सिकन तोपखानों पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी जनरल टेलर ने रियो ग्रांडे नदी को पार किया और मेक्सिको के क्षेत्र में घुस गए। अब इन दोनों ही हार का प्रभाव मेक्सिको की सरकार पर पड़ा, जिसका फायदा जनरल एंटोनियो लोपेज ने उठाना चाहा, जो कि अपने देश से निर्वासित थे और क्यूबा में रह रहे थे।
उन्होंने मेक्सिको की सरकार को एक खत लिखा और ये ऑफर दिया कि वो वापस आना चाहते हैं और अपने देश की मदद करना चाहते हैं। उन्हें राष्ट्रपति के पद का कोई लोभ नहीं है। मेक्सिको की सरकार ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया क्योंकि अब वही एक आखिरी उम्मीद थे। लेकिन एंटोनियो के सामने समस्या यह थी कि वो मेक्सिको जाए कैसे, क्योंकि अमेरिकन नेवी ने नेवल ब्लॉकेट लगाया हुआ था ताकि कोई भी शिप मेक्सिको तक ना पहुंच पाए। इसलिए एंटोनियो ने लगातार अमेरिकी प्रतिनिधियों से गुप्त रूप से बातचीत करना शुरू कर दी ताकि विवादित क्षेत्र उचित कीमत पर अमेरिका को बेच सके। यहाँ राष्ट्रपति पोल्क ने भी अपने प्रतिनिधि को क्यूबा भेजा ताकि एंटोनियो से बातचीत हो सके। यहाँ एंटोनियो ने $2 मिलियन की मांग की ताकि वो मेक्सिको की सरकार को मना सके। अमेरिका ने भी एंटोनियो को पैसे दे दिए और उसे मेक्सिको पहुंचा दिया। लेकिन मेक्सिको पहुंचने के बाद एंटोनियो अपनी बात से पलट गया और उन पैसों का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ ही करने लगा। मेक्सिको पहुंचते ही एंटोनियो को राष्ट्रपति पद का ऑफर दिया गया, लेकिन एंटोनियो ने इसे ठुकरा दिया और खुद लड़ाई की कमान संभाली। कुल मिलाकर एंटोनियो ने अमेरिका का ही काट दिया। फिर जो भी हो, अमेरिका को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, जिसके बाद अमेरिका ने एक परिधि में आक्रमण करना शुरू कर दिया। जून 1846 को अमेरिकी जनरल स्टीफन केर्नी फोर्ट लीवेनवर्थ से अपने 1700 सैनिकों के साथ साउथ वेस्ट की ओर आगे बढ़े, जिनका लक्ष्य था अल्टा कैलिफोर्निया तक पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करना। केर्नी अपनी सेना के साथ अगस्त तक न्यू मेक्सिको के क्षेत्र में पहुंच गए, जहां उनके सामने कोई नहीं था, मतलब बिना गोली चलाए ही न्यू मेक्सिको का पूरा इलाका अमेरिका के कब्जे में आ गया। केर्नी ने 18 अगस्त तक खुद को न्यू मेक्सिको का सैन्य गवर्नर घोषित कर दिया, जिसके बाद केर्नी अपनी बाकी सेना के साथ कैलिफोर्निया की ओर आगे बढ़े। उन्होंने चार्ल्स वेंट को न्यू मेक्सिको का क्षेत्रीय गवर्नर बना दिया। लेकिन केर्नी के जाने के बाद न्यू मेक्सिको के निवासियों ने विद्रोह शुरू कर दिए, जिनमें नेटिव अमेरिकन्स ने भी उनका साथ दिया। कहा जाता है कि चार्ल्स वेंट के घर पर आदिवासियों ने हमला किया और उसके परिवार के सामने उसकी हत्या कर दी, हालांकि उसके परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया था। ये विद्रोही यही नहीं माने, इन्होंने आगे भी अमेरिकन व्यापारियों को निशाना बनाया और कई जाने भी ली। इन विरोधियों को कुचलने के लिए 300 से अधिक अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया, जिन्होंने छुपे हुए करीब 150 विद्रोहियों को मार डाला और कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं अमेरिकी जनरल केर्नी अपने कैलिफोर्निया के अभियान में आगे थे। उन्होंने जनवरी 1847 तक कैलिफोर्निया की सेना को हरा दिया और लॉस एंजलिस तक बड़े क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया और 12 जनवरी तक कैलिफोर्निया में मौजूद मैक्सिकन अधिकारियों ने सरेंडर कर दिया। वहीं एक तरफ से अमेरिकन बेड़े भी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में घुस चुके थे, जिन्होंने छोटे मैक्सिकन बेड़ों पर कब्जा कर लिया और उन्हें जला दिया और एक महीने के अंदर मैक्सिकन खाड़ी को पूरी तरह से साफ कर दिया, जिसमें करीब 30 मैक्सिकन बेड़ों को नष्ट कर दिया गया। वहीं नॉर्थ ईस्ट फ्रंट पर जनरल टेलर अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने रियो ग्रांडे नदी को पार करके मारामोको शहर पर कब्जा कर लिया और फिर साउथ की ओर आगे बढ़े, जहां उन्होंने प्रमुख शहर मोंटेरी, न्यूएवो और लियोन की घेराबंदी की। यहां मोंटेरी की लड़ाई बहुत भीषण हुई थी, जिसमें दोनों ही पक्षों को बहुत नुकसान हुआ। अमेरिका और मेक्सिको के बीच हुए इस पूरे युद्ध में सबसे प्रमुख लड़ाई लड़ी गई थी बुएमा विस्टा की, जहां एक समय ऐसा लग रहा था कि एंटोनियो लोबेस की कमान में मेक्सिकन सेना आसानी से टेलर की आर्मी को हरा देगी। और लड़ाई की शुरुआत में ऐसा हुआ भी। मेक्सिको की राजधानी में सब खुश थे क्योंकि लड़ाई में मेक्सिकन आर्मी भारी पड़ती जा रही थी। इस लड़ाई में टेलर अपने 4000 सैनिकों के साथ पहाड़ी के दर्रे में घुसे हुए थे, जिन्हें काउंटर करने के लिए सेंट एना ने अपने 15000 सैनिकों के साथ वहां पहुंचे और मैक्सिकन सेना ने टेलर की सेना को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन जेफरन डेविस की कमान में एक रेजिमेंट ने टेलर की रेजिमेंट को बचा लिया। सेंट एना पीछे हट गए और उनके कई सैनिक मारे गए। हालांकि अगर वो पीछे नहीं हटते तो शायद लड़ाई जीत सकते थे, लेकिन उनके पीछे हटने के फैसले से सब कुछ खत्म हो गया। वही अमेरिकन राष्ट्रपति पोल्क इस युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मेक्सिको की राजधानी पर सीधा हमला करने की योजना बनाई। उन्होंने टेलर की रेजिमेंट को मदद देने के बजाय जनरल विनिफील्ड स्कॉट की कमान में एक दूसरी सेना भेजने का फैसला लिया और 9 मार्च 1847 को जनरल स्कॉट की सेना समुद्र के रास्ते वेरा क्रूज पोर्ट पर उतरी।
यह अमेरिकन इतिहास की पहली लैंडिंग थी, जैसा कि वर्ल्ड वॉर टू के दौरान डी डे में हुआ था। यहाँ करीब 12,000 सैनिकों के साथ घोड़े और हथियार भी थे। वहीं वेरा क्रूज के बचाव में मैक्सिकन जनरल जुआन मिरालेस अपने 3,400 सैनिकों के साथ वहां मौजूद थे और करीब 12 दिन की घेराबंदी के बाद अमेरिकन सेना ने शहर को जीत लिया। अब सेंट एना ने अमेरिकन सेना को रोकने के लिए दूसरी सेना नहीं भेजी, क्योंकि सेंट एना को यकीन था कि पहले की ही तरह ही अमेरिकन सैनिक भी बीमारियों में फंस जाएंगे, जैसा कि 1829 में हुआ था जब स्पेन ने मेक्सिको को फिर से गुलाम करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, लेकिन बीमारियों के चलते कई स्पेनिश सैनिक मारे गए। अब अमेरिकन सैनिक शहर को जीतने के बाद राजधानी की ओर आगे बढ़ने लगे। अमेरिकी सेना यहाँ पूरी तैयारी के साथ आई थी। बीमारियों में कुछ मौतें हुई, लेकिन उतनी नहीं। जब बात नहीं बनी तो सेंट एना ने अपने 9,000 सैनिकों और भारी तोपों के साथ रास्ते में अमेरिकी सैनिकों का इंतजार किया, लेकिन अमेरिकी जनरल स्कॉट ने मात्र 2,600 सैनिकों को ही आगे भेजा। लेकिन यह मैक्सिकन सेना ने बमबारी समय से पहले शुरू कर दी, जिससे अमेरिकन सैनिकों को मैक्सिकन आर्मी की स्थिति का पता चल गया। वही जनरल स्कॉट अपनी बाकी सेना के साथ मुख्य मार्ग को छोड़कर दर्रों के रास्ते मैक्सिकन सिटी की ओर जा रहे थे। उन्होंने ऊंची जगहों पर अपनी तोपें रख दी। सेंट एना तक यह जानकारी पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैक्सिकन सेना इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और 18 अप्रैल को हुए इस लड़ाई में मैक्सिकन सेना एक तरफा हार गई, जिसमें करीब 3,000 मैक्सिकन सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया और करीब 1,000 सैनिक मारे गए। इस लड़ाई में मात्र 400 अमेरिकी सैनिक ही मारे गए थे। वहीं स्कॉट की सेना ने 1 मई तक पुएला शहर पर कब्जा कर लिया, जो कि मेक्सिको का दूसरा सबसे बड़ा शहर था। शहर पर कब्जे के बाद स्कॉट की सेना राजधानी मेक्सिको सिटी की ओर आगे बढ़ी और 7 अगस्त को हमला शुरू कर दिया और स्कॉट ने राजधानी पर जीत हासिल की और खुद को मेक्सिको सिटी का गवर्नर घोषित कर दिया। इस अभियान के बाद स्कॉट अमेरिका के हीरो बन चुके थे। कुल मिलाकर मेक्सिको की हार लगभग तय थी, लेकिन सेंट एना ने हार नहीं मानी और अपना आखिरी अभियान चलाया। इस अभियान के तहत मैक्सिकन जनरल जोफिन री ने फिर से पुएला शहर की घेराबंदी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि वहां के शहरवासी वहां मौजूद अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लड़ेंगे। जनरल स्कॉट ने वहां 2,400 सैनिकों को छोड़ा था, जिनमें से कई घायल थे। करीब 400 सैनिक ही फिट थे, लेकिन इससे पहले कि मैक्सिकन आर्मी शहर में मौजूद अमेरिकी सैनिकों को खत्म करती, ब्रिगेडियर जनरल जोसेफ लेन की कमान में एक और रेजिमेंट वेरा क्रूज में उतरी और पुएला शहर को सुरक्षित कर लिया। सेंट एना अपनी आखिरी लड़ाई भी हार चुके थे। मेक्सिको की सरकार अब अस्थायी हो चुकी थी, क्योंकि मेक्सिको सिटी में अमेरिका का झंडा फहरा रहा था। मेक्सिको युद्ध हार चुका था। परिणाम स्वरूप 2 फरवरी 1848 को ग्वाडालूप हिडाल्गो की ट्रीटी साइन की गई, जिसके तहत मेक्सिको का लगभग आधा हिस्सा अमेरिका के पास चला गया, जिसमें कैलिफोर्निया, नेवाहा, यूटा, न्यू मेक्सिको, एरिजोना और कोलोराडो जैसे राज्य अमेरिका के अधीन आ गए और टेक्सास मेक्सिको की सीमा नियो ग्रांडे नदी को घोषित कर दिया गया। आज भी अमेरिका और मेक्सिको की यही सीमा है। साथ ही अमेरिका ने मेक्सिको को $15 मिलियन भी दिए जमीन के बदले और इस तरह से यह युद्ध खत्म हुआ। कुल मिलाकर यह युद्ध एक ताकतवर देश और एक अभी अभी नए बने कमजोर देश के बीच में था, मतलब कोई बराबरी की लड़ाई नहीं थी। हालांकि इस युद्ध के बाद अमेरिका दो गुटों में बट गया था, जिसने आगे चलकर अमेरिकन सिविल वार का व्यापक रूप लिया। इस युद्ध में डेमोक्रेट्स युद्ध के समर्थक थे, लेकिन विंग पार्टी युद्ध के खिलाफ थी, जो कि बाद में रिपब्लिकन पार्टी बनी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।